नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी को कहा अशुभ, कहा यह जहां जाएंगे वहां से ऐसी खबरें सामने आएगी, अशुभ है नरेंद्र मोदी, इनसे शुभ काम कभी नहीं हो सकता। यह बात को लेकर बड़ी खबर, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उससे पहले नीतीश कुमार ने रोजगार के मुद्दों पर बिहार के लोगों का ध्यान किया केंद्रित, कहा लोगों को रोजगार देने की संपूर्ण बड़ा प्रयास हम सभी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी रोजगार के पिटारे खुलेंगे। इसके साथ चिराग पासवान ने बिहार के लोगों से बड़ी अपील की, कहा बिहार के लोगों के लिए हम सभी के सपोर्ट और समर्थन से एक और इतिहास बनने जा रहा है, आपके सपोर्ट और समर्थन की सख्त जरूरत। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से एक और बड़ा प्रयास किया गया है। राजद समर्थकों के लिए खुशखबरी आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएगा। राजद के जितने भी समर्थक हैं उन लोगों से बड़ी अपील है, बड़ी जानकारी देंगे। इसके साथ लालू प्रसाद यादव की क्या जेल जाने की संभावनाएं कोई व्यक्त कर रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव जेल जा सकते हैं, इस पर भी होगी विस्तार से बात। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे अशोक गहलोत ने राजनीतिक दुनिया में किस तरीके से राजस्थान के ताकतों को मजबूत किया, कल होने यानी आज के दिन राजस्थान में होने हैं मतदान, लोगों से पहले भी बड़ी अपील करते नजर आ चुके हैं अशोक गहलोत के बाद आज अगर बातें करेंगे क्राइम के बढ़ते रिपोर्ट के बारे में, बिहार में किस तरीके से क्राइम स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है और ऐसे में कई नई परेशानियों को आप देख रहे हैं इस दौरान। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार में बातचीत होगी, विस्तार से जानेंगे कि अब जो है क्या नया निर्णय होगा और जीतन राम मांझी के अगला या किस तरीके से चीजों को परिवर्तन के रास्ते पर ले जाते वक्त आप देखेंगे। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों से कई मजबूत ताकतों को लगाने का बड़ा अपील कर सकते हैं। G20 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके हिंदुस्तान ने इतिहास रचा, हिंदुस्तान ने भले ही वर्ल्ड कप हार गया हो लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बड़ी चीजों को अपने नाम हासिल किया। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले कई नई जानकारी आ रही, लेकिन इसके साथ उत्तराखंड के टनल में फंसने वाले मजदूरों को निकालने की सबसे अंतिम पड़ाव तक कामयाबी हासिल लगी और लालू प्रसाद यादव के लिए क्या जेल के दरवाजा खोलने की तैयारी की जा रही है, क्या लालू प्रसाद यादव को सचमुच जेल जाना पड़ सकता है मामले में, आइए इस पर भी विस्तार से एक नजर डाली लेंगे। इसके साथ आज बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए, जी तमाम अन्य लोगों के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आई है, इस पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। आज की मुख्य और बड़ी समाचार में कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ी कई अन्य बड़े मामलों पर विस्तार से बात होगी, समझाएंगे आपको किस तरीके से 2024 के प्लान को शेट किया जा रहा है ताकि चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लग सके। और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ी जानकारी दी, कहा बस इंतजार की कुछ और समय कर लीजिए, बस इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होने जा रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे किस तरीके से जीतन राम मांझी ने 2024 के चुनाव को लेकर के बड़ा प्रयास किया है और बड़ी सफलता अपने नाम हासिल की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए विस्तार से बताते हैं। बड़ी खबर ये भी है कि एक बार फिर से या कहीं ना कहीं जी एक बार फिर से देश के अंदर लगातार इन सभी चीज़ों की कीमत बढ़ रही, लेकिन शराब के नीतियों के मामले में एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आइए इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे। और इसके साथ छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप भी जेल से बाहर आने का कवायद और तैयारी अगर कर रहे हैं तो कब तक बाहर आ सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्या नया मामला आएगा। इसके साथ आज की इस छोटी बड़ी सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, उससे पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और यह जरूर बताइएगा कि आप 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, खबर सामने निकल कर क्या तेजस्वी यादव को लेकर के बिहार के सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम के नॉमिनेट करना लोगों ने शुरू कर दिया, कहा बिहार के सीएम के लिए एक बेहतर उम्मीदवार या बेहतर उम्मीदवारी तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव को ना सिर्फ सीएम बनाने की लोगों को तैयारी करनी चाहिए बल्कि उन्हें आने वाले कल का युवा नेता में सबसे मजबूत नेता भी लोगों ने बना दिया है। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी एक मजबूत शक्ति है जिसे रोक पाना बिल्कुल नाकामयाबी होगी तमाम नेताओं की, बीजेपी लगातार उन पर कई बड़े
आपराधिक मामले और तमाम चीज़ें दर्ज करा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस बारे में बताने में लोगों को असफल रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक बेहतर नेता नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ने जिस मजबूती से अपने कार्यों को किया है वह एक बेहतर नेता है, सुलझे हुए नेता है और मजबूती से अपने तमाम प्रयासों को करना जानते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर के आने वाले कल में खुद को मजबूत करने का बड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में उनके लायक हो जाएगी और वह धीरे धीरे एक मजबूत नेता बन जाएंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान ने बताया कि बिहार में बीजेपी की धरातल मजबूत है और इसके साथ चिराग पासवान बिहार के पटना में कई रोड शो, जनसभाएं और तमाम उनके बड़े नेता ताकत लगाने वाले हैं, जिसके बाद में उनके तमाम नेताओं के शक्ति प्रदर्शन और ताकत के लगाने के बाद में आने वाले कल के दौर में चिराग पासवान को खुद मजबूती मिल सकती है। चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचंड बहुमत और बड़ी सफलता के लिए कई बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। चिराग पासवान ने लोगों से यह अपील किया है कि आप सभी आगे आकर के वोट करें और इसके साथ उम्मीद करें कि हम सभी एक बेहतर उम्मीदवारी कर सकें। उन्होंने कहा कि देश के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा हम सभी करेंगे, बस आपको हमारे समर्थन में आने की जरूरत है। आप हमारे लिए जितना प्रयास करते हैं वह सारा प्रयास सफल होता है और इसके साथ जनता ही सब कुछ होती है। हम आप पर निर्धारित करते हैं कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं। चिराग पासवान ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि खुद की राजनीति को मजबूत किया। बड़ी उत्तराखंड के काशी के अंदर फंसे हुए टनल के अंदर मजदूरों को निकालने का लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता के साथ कुछ भी हासिल नहीं होता दिखाई दे रहा है। अभी तक फंसे हुए लगभग 9 दिन हो चुका है और अभी तक जो है मजदूरों के निकालने के लिए जो कवायद की गई है वो असफल रहा है। अब लगातार एक के बाद एक तमाम कोशिशों के बाद जब मजदूरों की सांसें टूट रही है, दम हार रहे हैं, वह कोशिश कर रहे हैं जीतने की, पर वह अब संघर्ष की कहानियों से टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर क्या रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि मध्यस्थ विभाग में अगर आप भी किस्मत आजमाते हैं तो आपको भी बिहार की सरकार लाखों रुपए का डोनेशन देने जा रही है। कुछ कर्जों को माफ भी बिहार सरकार कर रही है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगी। हालांकि यहां साफ तौर पर दरअसल मध्यस्थ विभाग और इसके साथ अन्य विभागों में उद्योग करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने सफिशिएंट लोन देना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी जरूरत। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देश के अंदर लगातार एक के बाद एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है और एक उम्मीद की जा रही है कि कुछ नया और बेहतर होने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए लगातार बड़ा बड़ा प्रयास किया जा रहा है और एक बेहतर कोशिश की जा रही है। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार का निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है जी, आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार पुलिस की लगातार तैयारी चल रही है और बिहार पुलिस ने जी पूरा कंफर्म तौर तरीकों से देश बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिससे तमाम ऐसे लोग जो आपराधिक दृष्टिकोण के हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बिहार में अपराध को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय से देश में इतिहास बनने वाला है। खैर अब अपनी जानकारी और अपनी बात ज़रूर कॉमेंट में लिख करके बताइए। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर जी हाँ नया और बड़ा प्रयास किया गया है इस वक्त, और बड़ा प्रयास जानते हैं क्या है। गिरिराज सिंह ने बताया कि बस बेगूसराय में बीजेपी का लहरा होगा, बीजेपी अब यहाँ पर हासिल करने जा रही है बड़ी सफलता। कुछ लोग बीजेपी को यहाँ ट्रोल कर रहे हैं तो वो लोग जान लें कि बीजेपी इतनी आराम से टूटने वाले नहीं है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बस इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने जा रही है। बिहार के लोगों के लिए हम सभी का बड़ा निर्णय एक महत्वपूर्ण। बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है। बिहार के सरकारों ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम रोजगार देंगे। तेजस्वी ने साफ तौर पर अपने शब्द और तमाम बातों के माध्यम से कहा कि हाँ रोजगार के तमाम एजेंडे जो हमने कहे थे वो हम पूरा करके रहेंगे, बस इंतज़ार कीजिए क्योंकि हम आपके लिए सपना साकार करने के लिए सभी मजबूती देख रहे हैं और एक बहुत बड़ा कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि कुछ बेहतर करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खैर अब अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों इसके साथ आपसे पूछेंगे कुछ आखिरी सवाल। सवाल का सबसे पहला सवाल होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, और सही जवाब देने वाले लोगों के लिए हमारे इनाम के पिटारों में कई अन्य चीज़ें शामिल हैं जिनमें आपको छोटे से बड़े तमाम इनाम दिए जाते हैं। ऐसे में अपनी राय और इसके साथ कॉमेंट में सही जवाब ज़रूर मैंसन कीजिएगा ताकि आप भी जीत सकें ढेरों सारा इनाम और आपको भी मिल सके इस बार की कई बड़ी।